हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच। आपने देख लिया होना है, पाकिस्तान टीम ये विन कर गई और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान फैंस के लिए। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान टीम की बहुत सी कमजोरियाँ नजर आई। आज फिर जो हमारे ओपनर हैं बहुत आस्था खेले, जिसकी वजह से मैच फंसने वाला नहीं था, लेकिन फंस गया था एंड पे जाके। अगर मोहम्मद हारिस वो फ्री हिट की बॉल पर छक्का ना मारते और चौके की ट्राई ना करते तो पाकिस्तान टीम मैच इस वक्त फंसा होना था। आखिरी ओवर तक ये मैच जाना था और शायद ये बांग्लादेश जीत जाती, लेकिन पाकिस्तान ये मैच जीत गया। और ओपनिंग मिस्टेक्स अभी भी क्लियर नहीं हुई पाकिस्तान टीम की। और कल मैं देख रहा था, इस पर बहुत तबसरे हुए न्यूज़ एंकरों ने बहुत तबसरे किए कि पाकिस्तान के जो दोनों ओपनर हैं वो अनफिट नज़र आते हैं, कोई अच्छा नहीं खेल रहे। एक तरफ देखा जाए बाबर आजम पहले तेज़ ज़रा खेलते थे, लेकिन आज उन्होंने भी काफ़ी स्लो खेला। मोहम्मद रिजवान फिर भी ज़रा थोड़ा तेज़ खेले, लेकिन वो भी बॉलों के बराबर रन बना सके। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि आगे अगर सेमीफाइनल में जाएंगे ऐसे खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम कभी भी सेमीफाइनल नहीं जीत सकती, क्योंकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ होगा और न्यूजीलैंड भी एक अच्छी टीम मानी जा रही है। उनके फ्लिप प्लेयर बहुत आला हैं और पाकिस्तान टीम ने पहले उनसे खेला है ट्राई नेशनल सीरीज, पाकिस्तान जीती भी है। लेकिन ऑन द डे जो टीम होती है वो काफ़ी टफ हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान टीम को चाहिए कि अपनी कमजोरियों को ठीक करे और पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़ी को दो मैचों के लिए ये चेंज किया जाए, ये जो सेमीफाइनल फाइनल है। और बाबर आजम को चाहिए नीचे आए नंबर 3 पोजीशन पर, और अगर कोई ऐसा अपसेट होता है तो नंबर 3 पोजीशन पे बाबर होंगे और वो संभाल सकते हैं मैच को। तो ये अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान टीम में फैसले होते हैं, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स नज़र आ गई होनी है पाकिस्तान टीम को अपनी पाकिस्तान टीम को बहुत सी मिस्टेक्स नज़र आ गई होनी है, तो उसका सही करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऑन द डे पाकिस्तान टीम ये मैच जीत गई और एक अच्छी बात है। जो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम बाहर सबसे पहले अपने मुल्क जाएगी, तो उनके मुंह पे की तमाचा है पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो इंडिया का भी आज मैच है जिम्बाब्वे के साथ, तो इंडिया वैसे भी क्वालिफाई कर गई है, लेकिन अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो वो इंग्लैंड के साथ अपना सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी, अगर हारती है फिर इंग्लैंड के साथ खेलेगी। तो ये देखना होगा कि अब क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सी गलतियां हैं, किस प्लेयर ने क्या गलतियां की, अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।